हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज हब। आज एक जर्नी पे चलते हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम कोलंबस एंड विल रीच टू मलेशिया। बट बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी, लेट्स गो थ्रू अ क्विज। पहले एक क्विज करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चन यू कैन आंसर करेक्टली। तो स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड राइट डाउन योर आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। नाउ दिस मैन इज कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि कोलंबस जिनेवा, जो कि अब इटली का पार्ट है, वहां पैदा हुआ था, बट बाद में ये स्पेन चले गए थे। सो हिज कंट्री विल बी स्पेन। ये दुनिया का पहला ऐसा भटका हुआ आदमी है जो इतना पॉपुलर हुआ और जिसको इतना नाम मिला। इसने जिद बांध ली थी कि ये ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालेगा जिससे कि एशिया पहुंचा जा सके, और इसके लिए चाहिए थे इसको पैसे। इसने बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, पर इसको पैसे नहीं मिले। बाद में इसके जर्नी को फाइनेंस किया फर्डिनेंड एंड इसाबेला, जो कि एम्परर और एम्प्रेस थे स्पेन के। तो उन्होंने आखिर में इसके जिद से बिल्कुल परेशान होके इसको 3 ships दिए, नीना, पिंटा एंड द सांता मारिया, वो जो सांता मारिया। सो ये अगस्तीन को उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई और ये उसके बाद निकल पड़ा एशिया की खोज में। तो कोलंबस निकल पड़ा स्पेन से और ये रास्ता निकालते हुए गया। अब शुरू शुरू में तो अफ्रीका के बगल से होता निकला, बट बाद में इसके डायरेक्शन भटक गई एंड देन ही रीच टू अमेरिका। नहीं, वो पहुंचा एक आइलैंड ग्रुप पे जिसका नाम था बाहमास। अगर आपको बाहमास का मतलब ये था, इसका मतलब वो चप्पल है जो सलमान खान प्रमोट करता है, तो आपका भगवान ही मालिक है। ये जो छोटा सा आइलैंड ग्रुप का एरिया नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड क्रिप्स, और क्रिप्स की वजह से ही बाद में इनका नाम पड़ता है कैरेबियन आइलैंड। तो वास्को कोलंबस जो है वो 12 अक्टूबर 1492 को पहुंचता है बहामास, और वहां पर उसको दिखाई देते हैं बहामास के ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग, जिनको बोला जाता था अरावाकियंस लुकायोस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अरावाकियन लुकायोस या अरावाकीज भी जिनको बोला गया है। इन बेचारों ने तो समझा कि भगवान आ गए उनके पास में, लेकिन कोलंबस के आने के बाद इन लोगों की जो दुर्गति हुई उसके बारे में आई विल बी टेलिंग यू सम अदर डे। बहरहाल यहाँ से शुरुआत हो गई अमेरिका के दरवाजे खुलने की यूरोप के लिए, और अमेरिका से दुनिया को, यूरोप को, अफ्रीका और एशिया को बहुत सारी चीजें मिली, गोल्ड, सिल्वर और दुनिया भर के ऐसे खाने पीने की चीजें जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होते तो आपकी लाइफ क्या होती। जैसे टमाटोज, आलू, पोटैटोज, कॉर्न, पाइनएप्पल, पम्पकिंस, टर्की, पपाया, गुआवा, ग्राउंडनट। अब आलू हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर है कि किसी जमाने में इन्होंने और इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD ने एक स्लोगन दिया था, और वो स्लोगन था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। आज बिहार में लालू नहीं है लेकिन समोसे में आलू है। तो आलू किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। अगर आलू ना हो तो क्या हो? आप बोलेंगे कि अगर आलू नहीं होगा तो कुछ और खा लेंगे। तो ये देखिए, ये है 1845 का द ग्रेट पोटैटो फेमाइन, और आयरिश हंगर फेमिन, जिसमें सिर्फ आलू की क्रॉप खराब होने की वजह से करीब 10 लाख लोगों की मौत हो। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने आलू के तौर पर सारी दुनिया को कितना बड़ा एक गिफ्ट प्रोवाइड किया। तो कोलंबस ने
यूरोप के लिए अमेरिका के रास्ते खोल दिए, और उसके बाद तो भीड़ लग गई। स्पेन की, पोर्चुगल, डच, ब्रिटिश या फिर फ्रेंच, इन सब कंट्रीज ने पूरे अमेरिका, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका आई मीन्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कलेक्टिवली, इन पे इन्होंने जम के कब्जा किया और रिसोर्सेस को बर्बाद किया। बाद में अमेरिका में खेती करवाने के लिए जंगल काटे गए और व्हीट, कॉटन, शुगर केन और कोकोआ की खेती के लिए पूरी दुनिया भर से लोगों को पकड़ पकड़ के यहाँ ले जाया गया। और इससे शुरू हुआ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जिसमें यूरोप के लोग अफ्रीका से लोगों को पकड़ के और अमेरिका में खेती करवाने के लिए गुलाम बना के ले जाने लगे। इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को ले जाया गया, लेकिन हम लोगों को स्लेव की कैटेगरी नहीं दी गई और हमारे नाम के साथ जुड़ा इंडेंचर्ड लेबर, यानी अ लेबर हु इज गिवन अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क इन अ प्लेस फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि इंडेंचर्ड लेबर और स्लेव के साथ होने वाले ट्रीटमेंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था, तो करीब 14 लाख लोग भी हिंदुस्तान से दुनिया के अलग अलग कोनों में मजदूर बन के ले जाए गए। उनमें से ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं आए और वहीं के होके रह गए। कुछ लोग अपने देश में भी पूरी जिंदगी मजदूरी करने में बिता देते हैं, और कुछ लोग दूसरे देशों में मजदूर बन के जाते हैं और देखिए आने वाली कुश्ती क्या कमाल करती है। ये है वी एस नॉयपॉल, नोबेल लॉरिएट फॉर लिटरेचर, और इनके फोरफादर किसी जमाने में त्रिनाद एंड टोबैगो, जो कि कैरिबियन का पार्ट है, वहां पर एंडेंचर्ड लेबर बन के ले जाए गए। ये देखिए नवीन चंद्र राम गुलाम, इनके फादर को किसी जमाने में हिंदुस्तान से जानवरों की तरह जहाजों में भर के और मजदूरों के साथ मॉरिशस ले जाया गया था गन्नों की खेती। राम गुलाम बाद में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी बने। सो व्हाट इज योर एक्सक्यूज? आप बोलोगे इसलिए कुछ कर पाए क्योंकि बाहर थे और हिंदुस्तान में नहीं थे, तो इसका भी हमारे पास में आंसर है। लुक एट दिस मैन, ये है बाबा रामचंद। ये इंडेंचर्ड लेबर या बंधुआ मजदूर के तौर पर फिजी ले जाए गए थे, और ये जब वहां से वापस आए तो ये अपने देश में मजदूरों का हाल देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हुए और इन्होंने अवध किसान सभा का निर्माण किया 1920 में, ताकि किसानों और मजदूरों की हालत सुधारी जा सके। और इस काम में इनकी हेल्प की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू का ये पहला पब्लिक अपीयरेंस था किसी भी मूवमेंट में, अवध किसान सभा में किसानों को सपोर्ट करना बाबा रामचंद्र के साथ। नेहरू ने भी यहाँ से शुरुआत करके और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर अपनी हैसियत बनाई, और जिस समय सारी दुनिया कोल्ड वॉर के बुरे दौर से गुजर रही थी, नेहरू ने इन चार लीडर के साथ, नंबर 1 घाना के क्वामे नक्रुमा, नंबर 2 इजिप्ट के अब्दुल गामिल नासिर, थर्ड पे है इंडोनेशिया के सुकर्णो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ऑफ दैट टाइम, और फोर्थ है ये जोसेफ ब्रास टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, द देन यूगोस्लाविया। इनके साथ मिलके तीसरा नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया और बोला ना तो हम अमेरिका के साथ में हैं और ना हम रशिया के साथ में, यूएसएसआर के साथ में। नेहरू को 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया गया था, मिला कभी नहीं। हाँ, लेकिन उनको भारत रत्न मिला 1955 में, जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे। सबसे पहला भारत रत्न मिला था सी राजगोपालाचारी को, एस राधाकृष्णन जो बाद में भारत के सेकंड प्रेसिडेंट बने, और सी वी रमन द साइंटिस्ट, इन तीनों को मिला 1954 में। नाम कंट्रीज में से यूगोस्लावी अपने आप को बचा नहीं पाया और 1992 में इसके खुद के 6 टुकड़े हो गए और ये अलग अलग कंट्रीज बन गए, जिसमें क्रोशिया, बोस्ने हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो शामिल हैं। यह है सुकर्णो का इंडोनेशिया, जिससे हमने हाल ही में पाम ऑयल लेना शुरू किया है, क्योंकि हमने बंद किया है पाम ऑयल लेना मलेशिया से इस आदमी की वजह से, जिनका नाम है महातिर मोहम्मद, जो 92 साल के हैं और जो इंडिया के CAA के अगेंस्ट हैं। सो गाइस, क्विज को दोबारा से अटेंड कीजिए नाउ।
Now check your answers.